अब जो है नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ी थी आपने, याद रखना नाम से है ना। इसका पहले जो स्टेटमेंट पढ़ा था Kf माइनस Ki इज इक्वल टू W, पढ़ चुके हो आप है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल वर्क डन के बराबर। किसके बराबर? टोटल वर्क डन के बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये आप वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हो सेम चीज। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, वेरिएबल फोर्स पढ़ा था। तो सेम चीज़ को प्रूफ करने के लिए कहाँ से हम शुरू करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी को आपने के से कहा था, आपको पता है के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ये सबको पता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है, डी के बाय डी टी। अगर इसका डी बाय डी टी किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, डी बाय डी टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी के बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी के बाय डी टी हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप देखोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टी पर। यहाँ पर टी के ऊपर कहीं भी नहीं है, टी नहीं है यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन अभी थोड़ा सीख लो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल रहेगी। जब आप फोर्स वेरिएबल रखोगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल रहेगी। इसलिए वेलोसिटी को आप जीरो नहीं कर सकते और मास को जीरो, मतलब वेलोसिटी और मास को कांस्टेंट, वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं मान सकते। मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पर वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। ये डिफरेंशिएशन अब आप 11th में थोड़ा पढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12th में ही पढ़ोगे आप, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v, और साथ में v का भी डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dt। अब इसको याद रख लो आप, v का भी डिफरेंशिएशन होगा कितना, dv बाई dt। अभी इसको क्यों, क्योंकि हम t होता तो केवल क्या करते हैं, डी बाई dt ऑफ क्या करते हैं, टी स्क्वायर क्या करते हैं, 2t कर देते हैं, ठीक है। परंतु डी बाई dt ऑफ वी स्क्वायर हमें करना है, डी बाई dt ऑफ वी स्क्वायर करना है, तो हमें वी स्क्वायर का कितना करना पड़ेगा, 2v, और इस v का भी क्या लिखना पड़ेगा, dv बाई dt। अगर v क्या है, वेरिएबल है, तो ये स्टेप याद रख लो बस आप, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2v लिखेंगे आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू वी, और dv बाई dt, dv बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है ये, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब m v, और इसको क्या लिखा, a, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स। आपको पता है ना f इज इक्वल टू क्या होता है, ma, तो ma की जगह क्या लिख दिया, फोर्स, और बचा क्या था, v, इस v की जगह क्या लिख दिया, dx बाई dt, क्लियर। f की जगह क्या लिख दिया आपने, जो ma था, ma की जगह क्या लिख दिया, फोर्स, और v की जगह क्या लिख दिया, dx बाई dt। आता है कि नहीं, सब भूल भाल गए होंगे, dx बाई dt वेलोसिटी को बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dx बाई dt क्या, हाँ कुछ भी ले लो यार, वेरिएबल है, ठीक है। dt से dt क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा, एक्चुअली अब थोड़ा सा ये डेफिनेट, ये हुआ था ऐसा, डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है। अब जब इनके डी हटाने हैं, ध्यान से सुनना, जब डी हटाने हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। जब डी हटाने हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जब डी हटाएंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट का सिंबल लिख रहा हूँ बस मैं, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। वैसे भी आपको पता है एक तरफ नहीं करते हम, दो चीज़ें दोनों तरफ करते हैं। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। अब जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन में लिमिट आती है, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, लिमिट का भी और बिना लिमिट का भी। तो यहाँ पर आपने लिमिट पुट करी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करा, के आई से लेकर के एफ तक इंटीग्रेट किया, के आई से के एफ, ठीक है। के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से लेकर फाइनल काइनेटिक एनर्जी डी के, ठीक है। और ये कहाँ, ये डी एक्स, एक्स मतलब क्या है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेकर, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया है। कॉमन स्टेप है, हर बार 12th में भी काम आएगी, आपको याद रखनी चाहिए ये स्टेप्स, ठीक है। कि जब ये इंटीग्रेशन हटेगा, जब जब मैं बताता हूँ ना, वो याद रखना तो याद ही रख लेना, मतलब फिर बार बार पछताओगे ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये डी हटाना है तो इंटीग्रेट कर दिया, ये कॉमन स्टेप हो गई। मतलब अब क्या हो गया, अब डी के का इंटीग्रेशन के होगा, क्या होगा, डी के का इंटीग्रेशन सीधा कितना हो जाएगा, जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या बचेगा, सीधे के। और एफ डी एक्स में एफ बाहर आ जाएगा, एफ क्या होगा,
हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो अपन ने लिया ही नहीं है, एफ डी एक्स को ऐसे ही लिख लो, एफ डी एक्स को ऐसे ही लेने दो। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को अपन ने वेरिएबल वर्क वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो यही तो होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये तो डब्ल्यू हो गया, ये क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, और के की जगह क्या रख दो, एक बार फाइनल रख दो और एक बार इनिशियल रख दो, तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन आ गया। और इसी चीज़ को बोलते हैं कि दिस इज नोन एज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये न्यूटन सेकंड लॉ का एक इंटीग्रल फॉर्म भी होता है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट अब अगला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी एक्चुअली डिफाइन नहीं होती फिक्स पॉइंट पे, एनर्जी का हमेशा डिफरेंस डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। क्या बता रहा हूँ मैं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी का क्या डिफाइन होता है, हमेशा डिफरेंस होता है। पर अपन हमेशा कई बार बात करते हैं कि इस पॉइंट की एनर्जी उस पॉइंट की एनर्जी, तो वो जो बात करते हैं वो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं जिसकी एनर्जी अपन क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो इसीलिए डिफरेंस क्या आता है, हमेशा जीरो से माइनस करोगे तो वही चीज़ आएगी, मतलब वो फाइनल वैल्यू माइनस जीरो, तो जीरो आपका रहेगा। बस केवल ये बताने के लिए कि एक पॉइंट पे हमने वैल्यू कितनी मान ली है, जीरो मान ली है। तो हम जो चेंज बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी का वो ही डिफाइन करते हैं जनरली, बाकी यहाँ डेफिनेशन में चेंज वगैरह की बात नहीं करते, बस बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पर तुम्हें चेंज समझ में आ जाएगा कैसे ना, पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहली चीज़ है क्या, ठीक है। आपको मैकेनिकल एनर्जी, एक्चुअली जो साइंस है, साइंस ने दो तरीके की एनर्जी बताई, एक मैकेनिकल और एक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मतलब मैकेनिकल एनर्जी को दो भाग में डिवाइड किया है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, मोशन के कारण, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, वेलोसिटी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, ड्यू टू इस कॉन्फिग्रेशन, किसके कारण होती है, कॉन्फिग्रेशन को आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। जैसे क्या, एक बॉल थी, उस बॉल को आप नीचे रखी हुई थी, आप उस बॉल को उठा के कहाँ ले गए, ऊपर कहीं रख दिया आपने। या फिर एक बॉ था, तीर को, धनुष बाण को आपने खींचा, पहले तो बेचारा बैठा हुआ था, आपने कुछ डिस्टर्ब कर दिया, मतलब उसको कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया, बदल गया, पहले कुछ था और बाद में कुछ और हो गया। स्प्रिंग पहले कुछ थी, आपने और खींच दिया, तो इन सभी में बनावट सभी की क्या हो गई, चेंज हो गई। बनावट क्या हो गई, सबकी चेंज हो गई। बनावट को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, कॉन्फिग्रेशन। अगर बनावट चेंज होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड ENG, मतलब एनर्जी बाय वर्च्यू, किस गुण के कारण होती है, ऑफ द पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन, दो चीज़ें। कॉन्फिग्रेशन चेंज करना मतलब धनुष बाण वाला या स्प्रिंग में कॉन्फिग्रेशन चेंज कर रहे हैं अपन, और बॉल को नीचे से ऊपर ले जाने में बॉल को की पोजिशन चेंज कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा स्टोर होती है, क्या होती है, स्टोर होती है। आप कुछ वर्क करते हो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में। वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में। अभी अपन ने पढ़ा ही था कि जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, टोटल वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब अपन एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ तुम्हें देखने में आएगी कि हमने अभी वर्क पढ़ा, तो वर्क जो टोटल वर्क था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, केवल काइनेटिक एनर्जी पे, उसको पोटेंशियल एनर्जी का नामो निशान नहीं था, था क्या, नहीं था। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, पर वो इक्वेशन 100% वैलिड है। वर्क डन हमेशा किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस पे। पहली जगह निकाल लो, आखिरी जगह निकाल लो, दोनों को माइनस कर लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन आएगा, भले इसमें पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कर लो, आपको मिलेगा। अभी अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो, अब पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी लेफ्ट टू इटसेल्फ रिलीज दिस स्टोर। अब बॉडी को जब आप छोड़ देते हो ना, बॉडी क्या है एक्चुअली, जैसे आपको पता है कि ग्रेविटेशन कहाँ पर नीचे लग रहा है, ग्रेविटी कहाँ पर लगती है, जब आप किसी भी बॉल को ऊपर ले जाते हो तो उसके ऊपर ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे। तो बॉल क्या है, मतलब ग्रेविटी क्या कर रही है, उसके ऊपर फोर्स नीचे लगा रही, आप कहाँ ले जा रहे हो उसको, ऊपर, फिर कहाँ ले गए, ऊपर ऊपर ऊपर। इस दौरान उसके अंदर क्या, एक बदले की भावना आ जाती है कि तू तो मेरे पे नीचे फोर्स लगा रहा है और मैं ऊपर ऊपर जा रही हूँ, मतलब मेरे पास भी अब क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, मैं भी तुझसे बदला लूँगी। जब कोई मुझे छोड़ेगा तो मुझ में एनर्जी जो भराएगी, जितना बदला तुमने, मतलब जितना हाइट मुझे दिया है,
उतनी ही एनर्जी मैं स्टोर करूंगा, और जब आप रिलीज करोगे मैं फट से उस एनर्जी को रिलीज करूंगा। तो आप पत्थर को जितना ऊपर उठाते हो और छोड़ते हो वो उतनी जोर से डिस्टर्ब होता है। आप कम हाइट पर ले जाओगे और छोड़ोगे तो ठीक से आपको इतना इतना वो नहीं मिलेगा, पर और ज़्यादा ऊपर ले जाओगे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा ऊपर ले जाओगे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करे जा रहे हो तो उसके अंदर एक बदले की भावना आ जाएगी, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मतलब ये शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दैट एनर्जी इज नोन एज दी पोटेंशियल एनर्जी। अब स्पेसिफिकली पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के लिए डिफाइन है और एक इलास्टिक डिफाइन है। इलास्टिक मतलब क्या, जैसे स्प्रिंग वगैरह के लिए डिफाइन है। इलास्टिक मतलब जो चीज़ें खींचा जाती है, ठीक है, जैसे बो आपका धनुष बाण की भी एक एनर्जी हो गई, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शब्द यूज़ नहीं करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है, किसके लिए यूज़ करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में करोगे काम, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करोगे। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है, पोटेंशियल एनर्जी का नाम फिक्स है, पर ग्रेविटी की वाली बात आ जाएगी तो नाम क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहीं स्प्रिंग की बात आ जाएगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पर ऐसे नाम एनसीईआरटी ने नहीं यूज़ किए, उसने बस ग्रेविटी के लिए आपको छोटा सा बता दिया है कि इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, उसको पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग करके नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे बताया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ये जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ऑन अ बॉल इज अ बॉल ऑफ मास m, ये मास m है शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, बॉल ऑफ मास m इज mg, ये तो सभी को पता है। फोर्स कितना होता है, ma होता है। अगर बॉल क्या है, बॉल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लगता है वो कितना लगता है, 10 लगता है, मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, एम इंटू जितना मास होता है उतना फोर्स नीचे लगता है ना, ये तो पड़ा हुआ है ना मैंने, तो वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है बॉल पर वो कितना होता है, एम जी। अब अपन ने क्या किया, रेज द बॉल एट हाइट एच, अब बॉल को अपन ने क्या किया है, इस हाइट से कहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हाइट कितनी है, जीरो, यहाँ पर हाइट कितनी है, जीरो, मतलब ग्राउंड पर पड़ी बॉल मान लेते हैं अपन, है ना, कुछ इनिशियली कहाँ पर है कुछ बॉल जीरो हाइट पर है, यहाँ पर हाइट कितनी होगी लेटेस्ट से कुछ एच, मतलब आपने क्या किया, फोर्स कितना लगा आपका एम जी, मतलब आप बॉल को किधर ले जा रहे हो, ऊपर की तरफ, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉल को ऊपर ले जाने के लिए, एम जी फोर्स या उससे ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा, पर ये फोर्स भी ऐसा लगाना है कि एक्सेलरेशन क्या रहे, जीरो रहे, एक्सेलरेशन क्या रहे, जीरो, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी से आपको ऊपर ले जाना है, एक जैसी वेलोसिटी से ऊपर ले जाके आपने यहाँ पर बिठा दिया बॉल को। अब ये बॉल एच हाइट पर आपने क्या ले गए, इस दौरान आपने क्या किया, एक वर्क डन किया, इस दौरान क्या किया है, वर्क डन किया। अच्छा, तो वो वर्क डन क्या होगा, वर्क आपको पता है एफ इज इक्वल फोर, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लगा, एम जी लगा ना, ये नीचे एम जी लग रहा है और ऊपर भी सेम फोर्स एम जी आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो बॉल ऊपर जाएगी। और हाइट कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट बना तो कितनी है, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया एम जी एच, यही क्या होता है वर्क डन, यही वर्क डन स्टोर हुआ किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन, इट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एम जी एच फॉर्मूला पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये नेगेटिव आता है आंसर, क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि बदले की भावना जितनी भी होती है वो सब नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है, चीज को नीचे खींच रहा है, आप कहाँ पर ले गए, ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर अपन साइन नहीं लगा रहे, यहाँ पर साइन नहीं लगा रहे, पर यहाँ पर एम जी एच लिख दिया बस। आप तो लिखोगे कि वर्क डन कितना आया, एम जी एच, और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो गया है, यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। इसके अंदर जो, क्योंकि नीचे एफ नेगेटिव हो गया, एफ क्या होता है, अभी वही चीज़ में बता रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या है, पर अपना अप्लाइड फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, तो वो तो एम जी ऊपर है ना, वर्क डन स्टोर क्या हुआ, आपने फोर्स अप्लाई एम जी ऊपर किया और एच भी ऊपर किया, वो तो पॉजिटिव है, पर इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, अभी अपन आगे और पढ़ेंगे, जब अब ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे वहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे तब। अभी आप इसका मैग्नीट्यूड, हालांकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पर फिर भी आप एम जी एच इसकी वैल्यू याद रख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकालेंगे अपन, एम जी एच, ठीक है।
अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया, यही जो एनर्जी, यही जो वर्क है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसका फंक्शन होता है, अच्छा इसको डिनोट किससे किया, वीएच से, हाँ किससे डिनोट किया, वीएच से, कभी वीएच है कभी यू कर दिया, बदल बदल के करते हैं। वी मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी वी है वो एच का फंक्शन है, हाइट के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, हाइट ज़्यादा ज़्यादा करोगे तो कम, ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम ज़्यादा होगी, कम करोगे तो कम है, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा है। देख लो यहाँ पे हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर एक बॉडी है जिसका कि मास कितना है 1 किलोग्राम है, जी तो आपको पता है कितना 10 है, अगर वो एच इज इक्वल टू कितने पे है 1 मीटर पे, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 1 × 1 10 × 1 × 1 कितना होगा 10 ही होगा ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, अभी 10 लिख दूँ तो वर्क डन कितना होगा इस केस में 10 जूल। अब उस हाइट को कितना ले गए आप, 2 मीटर पर ले गए, कितना ले गए 2 मीटर पर, तो सब कुछ सेम रखा, W2 कितना हो जाएगा आपका 20 जूल। आ रही बात समझ में, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे वर्क क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा आएगी इस समय, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी कि ये फंक्शन होता है वी ऑफ एच का, एंड इज नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये मैं तो बता चुका हूँ ये नेगेटिव होती है वैल्यू, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया mgh, ये मैंने जो डिराइव किया यहाँ पर आ गया, नेगेटिव वगैरह साइन बताया पर यहाँ लगाया नहीं है, एनसीईआरटी ने ऐसा ही दिया था। एक और एनसीईआरटी ने दिया है ये फोर्स, ये कॉमन डेफिनेशन याद रख लेना, फोर्स हमेशा क्या होगा, माइनस डी बाय डी एच, डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ये क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, डी बाय डी एच ऑफ वी एच लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को बदलो, पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव हाइट के हिसाब से बदलेगा, वही फोर्स के बराबर होगा, और आगे क्या लगाया है, माइनस, ग्रेविटेशनल किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ, नीचे वाले फोर्स को क्या लोगे आप, माइनस, इसलिए माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लगाया आपने, पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ एक छोटा सा एक लाइन है, बस ऐसे ही याद रख लो। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ वी एच की जगह क्या पुट करोगे, एम जी एच, एम जी तो कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, डी बाई डी एच ऑफ एच, डी बाई डी एच ऑफ एच क्या हो जाएगा, 1, एच कैंसिल ही हो गया ना, तो 1 मतलब कितना बचा, माइनस एम जी। तो एफ क्या बताता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, एम जी लग रहा है, ठीक है। मतलब ये तो एक ऑब्वियस चीज को यहाँ से बताया है, प्रूफ किया है, काम की चीज केवल एक ही है यहाँ पर, कि फोर्स जो होता है वर्क, जो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। इतनी सारी चीज़ें दे रखी थी एनसीईआरटी, मैंने सारी लिख के बता दी आपको, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं, अब क्या हो रहा है, देखो आपने बॉल को क्या है, यहाँ से उठा के कहाँ ले गए, यहाँ पर ले गए, कितनी हाइट पर ले गए, एच हाइट पर। अब इस बॉल के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, आपने कुछ काम किया इस बॉल के ऊपर, कुछ वर्क किया ना, फोर्स लगाया तो उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो और ये बॉल कहाँ, बॉल कहाँ पे चली गई, कुछ एच हाइट ऊपर चली गई, अच्छा एच हाइट ऊपर चली गई, यहाँ पर मतलब वर्क डन स्टोर हो गया कितना, एम जी एच। और इसी चीज़ को अपन ने क्या बोला था, यही चीज़ किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ से बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, जस्ट रिलीज कर दिया। अच्छा आप एक चीज़ बताओ कि जैसे आप बॉल को पहले यहाँ से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे करते करते हाइट पर ले गए, ठीक है। एक्चुअली में तो ये मैंने 4 बिंदु लिए हैं, पर ऐसे तो बहुत धीरे धीरे करके ले जाओगे, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। तो मुझे मान लो इसको कितनी हाइट पर ले जाना है, 5 मीटर की हाइट पर, कितनी मीटर हाइट पर, तो 5 मीटर। तो पहली बार मैं इसको मतलब यहाँ पर इसको 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको कुछ 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कुछ 5, कुछ छोटा मोटा हो रहा है, तो इसको मैं 3 यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला पोजिशन हमारा कौन सा है, 5 वाला, ठीक। अब यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर बॉल का मैंने मास 1 किलोग्राम दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1 × मास कितना दिया है, मास 1 किलोग्राम, 1 × 10, तो कहता 10 जूल। यहाँ पे 20, 30, यहाँ पे 2, लगभग कुछ 2 आएगा, ठीक है, फिर 3, 40 और कितना 50 जूल। मतलब धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई यहाँ पर, बड़ी। और 5 पॉइंट पे क्या मैक्सिमम हुई कि नहीं हुई, इसके ऊपर ले जाओगे तो और हो जाएगी, पर अपने को पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी, जिस पॉइंट पे रख दिया उस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है।
जिस पॉइंट पर रख दिया उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम। इसके ऊपर ले जाओगे तो और हो जाएगी, पर अपन ने तो पर्टिकुलर बॉल को एक हाइट देते हैं ना, आपको जिस हाइट पर देते हैं सबसे ज़्यादा हाइट जो होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इससे तो फिर ऊपर तक ले जाओ कोई अंत भी नहीं है, ठीक है। हालांकि अपन ये जो बात कर रहे हैं सब किस पे, जी का वैल्यू फिक्स रखते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे ना तो फिर ग्रेविटी के वेरिएशंस भी आते हैं, जी कम ज़्यादा होता रहता तो अपने को उसकी बात वहाँ पर नहीं। अपन क्या मान रहे हैं कि बस इतनी ही ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जब तक जी कितना है, कांस्टेंट है। चलो अब यहाँ से क्या होगा, बॉल को तुमने छोड़ा, बॉल को छोड़ोगे, अच्छा यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, स्पीड तो खैर थी नहीं, अपन इनिशियल और फाइनल स्पीड दोनों को ऐसे इक्वल लेगा तब की, ताकि दोनों बराबर रहें, ताकि एक्सीलरेशन क्या रहे, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर रख दिया आपने एक्स, यहाँ पर रखा आपने, अब यहाँ से छोड़ा, यहाँ पे क्या किया आपने, रिलीज़ किया। जब आप रिलीज़ करोगे तो अच्छा, इनिशियली जब यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे मान लो कोई छत है, छत पे आपने बॉल रखी है, अब यहाँ से आपने या फिर ऐसे बस पकड़ के रखा हुआ है, अभी जब वेलोसिटी कितनी है जब आपने इसको हैंड में पकड़ के रखा है, वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं, और हाईएस्ट जब ये टच करने वाला होगा तब सबसे ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, जब टच करने पे तो एकदम से फिर जीरो हो जाती है, आपको ये भी पता है। जस्ट टच करने से पहले वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, नीचे से ऊपर ले गए तो बड़ी, नीचे से ऊपर ले गए तो बड़ी। हाइट कितनी होगी नीचे, जब जमीन पे जस्ट टच हो गई तो एच कितनी होगी, जीरो। एम जी एच, एम इंटू जी कितना, 10, एच कितना, जीरो जीरो जीरो। तब जब जमीन पे आ गई तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अभी तो बताया कहाँ पर होगी, हाइट पे होगी। जब जब जमीन पे टच होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। जस्ट टच करने से पहले, जस्ट टच करने से पहले, आ रही बात समझ में। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। चलो अभी तो खैर, अभी ये समझ लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी पूरी वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जब ये नीचे टच करती है तो, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी ना तो अपन कभी भी बना सकते हैं ना कभी बिगाड़ सकते हैं। एक एनर्जी खत्म हुई तो वो दूसरे को बना दिया उसने, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम होकर जीरो हो गई, परंतु क्या जन्म ले गई, काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुई, काइनेटिक एनर्जी के। इस चीज़ को आगे और समझ में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एमजीएच कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एमजीएच। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एमवी स्क्वायर, एम से एम कट गया। अरविंद क्लियर हुआ है नहीं, कि अभी भी डाउट है, पोटेंशियल एनर्जी। स्पीड तो आपको पता है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आई है वो। ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो, पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। नीचे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्योंकि नीचे हाइट जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो हाफ एम वी स्क्वायर में वी का स्क्वायर हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पूरी एनर्जी, पोटेंशियल खत्म हो जाएगी। इसको और आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर ये पॉइंट दे रखा है कि जब बॉल को जस्ट छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करोगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी निकाल लोगे कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आपका हर एक पॉइंट पर निकाल सकते हो आप, हाइट की हर एक पॉइंट की, हर एक हाइट की वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो कि नहीं। हाँ। जैसे दो, एक मीटर पे क्या वेलोसिटी, दो मीटर पे क्या वेलोसिटी, तीन मीटर पे क्या वेलोसिटी है, सब वेलोसिटीज को आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये उल्टा है बेटा, ये क्या है उल्टा, उल्टा किस हिसाब से, ऊपर से काउंट करनी पड़ेगी आपको हाइट कितना कितना डाउन हो गया। चलो अभी तो फॉर्मूला याद रखो, फिर अपन देखेंगे इसको। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना, रूट टू जी इंटू एच, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये एक और चीज़ है, नई चीज़ आ रही है ना, दो तीन लाइन इसको समझ लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एस, इसके पहले एक इक्वेशन लिखी थी कि नहीं हमने, कि फोर्स को आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, अभी फोर्स का लिखा था ना, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एच लिखा था कि नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी जी पी लिखा था कि नहीं, लिखा था ना, लिखा था, वही चीज यहाँ पे फिर से लिखी, बाकी क्या लगा दिया x, क्योंकि फोर्स भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू कितना, माइनस d बाय dx ऑफ u। इस बार क्या है,
x को क्या ले लिया, h को क्या ले लिया है, x, h को क्या ले लिया है, h को क्या ले लिया है, x ले लिया है। आ रही बात समझ में, h को क्या लिया है आपने, जो वहाँ पर h लेते थे ना उसको क्या ले लिया है, क्योंकि h किसके लिए था, हाइट के लिए था, परंतु अब h x मतलब क्या हो गया, कोई सा भी लो आप, पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी, क्या केवल ग्रेविटी की, ग्रेविटी की जागीरदारी है क्या उस पर, नहीं, इलास्टिक का भी तो बताया मैंने अभी, स्प्रिंग का भी तो बताया, तो सभी में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोलेंगे, x बोल देंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, u, u मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, बुक ने इसको v सिंबल दिया है, v मतलब वेलोसिटी होता है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको सिंबल को क्या बदल दिया है, u, क्योंकि तुम पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में तो पागल हो जाओगे, समझ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया डी एक्स को इधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? बताया था अभी, एफ डी एक्स हो जाएगा। अब मैंने ये भी बताया था कि जब डी हटाना रहता है तो क्या करते हैं, हिंदी में लिखा था, तो मैंने वो चीज़ कर दी और बोला कि दिमाग में घुसेड़ लो, बार बार आएगा, पूछना मत क्यों कर रहे हैं। डी हटेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, और डी यू कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से लेकर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये डी यू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी यू, यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वही चीज़ का इनिशियल और वही चीज़ का फाइनल। तो इनिशियल मान लेते हैं यू आई और यू एफ, तो कितना आ रहा है, माइनस साइन, माइनस क्यों आ रहा है आपको पता है ना, क्योंकि ये सब अपोजिशन है, ये सब क्या करते हैं, अपोजिशन वाले फोर्स होते हैं। अपोजिशन मतलब तू खींच इधर रहा है, जैसे जैसे स्प्रिंग में, स्प्रिंग में आप खींचते इधर हो, पर स्प्रिंग आपको किधर खिंचाती है, इधर, जब स्प्रिंग को दबाते हो तो वो आपको इधर खसकाती है ना, ये सब बदले की भावना है, जो कि क्या आती है, नेगेटिव आती है कि नहीं, इसीलिए नेगेटिव लिया है पोटेंशियल एनर्जी के आगे क्या लिया है, इसीलिए नेगेटिव कहना है, ठीक है। डब्ल्यू सी यहाँ पर आप, अच्छा ये चीज़ मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ये वर्कडाउन होता है, आपको मैंने बोला था, परंतु मैंने दो तरीके के वर्कडाउन बताया था, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कैसे भी ले जाओ, तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन होती है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स की इक्वेशन होती है, ये किसकी इक्वेशन होती है, मतलब कंजर्वेटिव, हाँ यहाँ पर जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क भी क्या निकलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स का निकले। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेरिवेशन देखो क्या आया, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस साइन लगाए यू एफ माइनस यू आई, माइनस साइन जब यहाँ पर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, यू आई इज माइनस यू एफ, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यू आई इधर आ जाएगा और यू एफ इधर आ जाएगा, मतलब हर बार अपन क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। आ रही बात समझ में, ये सब नेगेटिव है, विरोध है, इसलिए सब चीज़ क्या हो रही है, नेगेटिव। तो जो वर्क डन स्टोर होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो किस फॉर्म में होता है, या तो माइनस साइन यू एफ माइनस यू आई कर लो, या फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू आई माइनस यू एफ बोल दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई है, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने एक्चुअली इसी को कंटिन्यूएशन में किया और एक फॉर्मूला डिराइव किया है यहाँ पे, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो किसके बराबर होगा, यू आई माइनस यू एफ, या फिर माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई। पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव कौन सा वर्क होता है, कंजर्वेटिव वर्क, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क कंजर्वेटिव नहीं होता है, कंजर्वेटिव क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, है ना, आ रही बात समझ में। तो जो वर्क डन निकला कंजर्वेटिव फोर्स का, वो क्या निकला, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस में भी तो एक चीज आई थी, एक और इक्वेशन आई थी, याद करो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोला था, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम ध्यान में नहीं रखते हो, फिर बोलते हो ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, इसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, देख लो आँख खोल के, इसमें टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन का मतलब कंजर्वेटिव भी आ गया, नॉन कंजर्वेटिव भी आ गया, इधर का वर्क उधर का वर्क सब मिलजुल के आ गया, एक रेनड्रॉप वाला न्यूमेरिकल भी किया था इससे अपन ने, ठीक है। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको, टोटल वर्क डन में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब मिलजुल कर आ जाएंगे, इज दैट क्लियर। चलो अभी इसको ध्यान रखना, इससे आगे डेरिवेशन में करने वाला हूँ आगे एक और।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन शब्द का मतलब होता है कांस्टेंट। कभी भी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब इसमें हम ये प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी स्थान पर, किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये दोनों बदलती रहेगी पर जोड़ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। देखो मतलब कैसे, जैसे आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट जब थी तब कितनी थी, लेट अस से 50 जूल, कितनी थी 50 जूल। उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तब काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। अब जब नीचे आई बॉल तब मान लेते हैं ये कितनी हुई, 40। अब कितनी हाइट पे आई, क्या आई, ये नहीं मान रहे। वैसे तो 4 मीटर पर ही आ रही दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये कितना कम हुआ, 4 मीटर। 4 मीटर कम हुआ तो 4 मीटर के हिसाब से बचा हुआ कितना है, 10। अब ये 4 है तो वो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10, है ना। मतलब बॉल कहाँ से कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। जब ये नीचे और आएगा तब यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और के कितना हो जाएगा, 20। जब और नीचे आएगा तो यू कितना हो जाएगा, 20, पर के कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, जब ये और नीचे आएगा यू कितना होगा, 10, के कितना होगा, 40। और जब और नीचे, सबसे नीचे आएगा तो ये यू जीरो हो जाएगा और के कितना हो जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है तुमको, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हर एक पॉइंट पर प्लस करो, सम कितना आ रहा है, 50। मतलब टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बदलाव अंदर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो गए, ये बड़ा तो ये धीरे धीरे घट रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। हाइट धीरे धीरे कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटेगी, पर एक चीज़ घटेगी दूसरी चीज़ बढ़ेगी। मतलब टोटल हमेशा सम तो क्या रहेगा, एक पॉइंट पर फिक्स रहेगा। अब जैसे बड़ाम करके कोई चीज़ वो आएगी जमीन पे, तो एक एनर्जी है उसके पास, तो वो तुम यूज़ करना है तो यूज़ कर लो किसी चीज़ में, और नहीं तो वो लॉस हो गई, गई वो तो। ठीक है, क्या दूसरा सम क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करता है, हम केवल इन दोनों में ही पूरी एनर्जी, मैग्नीट्यूड ही है ये हमेशा मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, हाँ ये हमेशा 50, हमेशा नहीं, वैल्यू बदलोगे तो। अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, कि यार ये 5 मीटर का लिया मैंने, 100 मीटर का लूँगा तो 100 से करूँगा ना, क्या 50 ही लूँगा क्या हर बार, इसमें क्या पूछना, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। अच्छा ये जो डेरिवेशन जो भी किया है छोटा सा, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिराइव करके बता रहे हैं, यही चीज़ को डिराइव करके बता रहे हैं। तो ये चीज़ वन डायमेंशन के लिए, किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, जो कि सम होता है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी और यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। मैंने लिखा नहीं है इनके फुल फॉर्म पर, तुम याद रख लो। मान लो कि एफ फोर्स लगाया आपने बॉडी पे, बॉडी कितने से डिस्प्लेस हुई, डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस हुई। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, डेल्टा के इज इक्वल टू एफ डी एक्स। मतलब यहाँ पे वर्क डन था, याद करो, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म था। इंटीग्रेशन हटा भी दोगे तो एफ इंटू डी एक्स क्या होता है, वही होता है आपका। अच्छा ये चेंज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ पर, मतलब एक्स ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, के आई। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, के। तो काइनेटिक एनर्जी के बदलाव को क्या बोलेंगे, के एफ माइनस के आई। कितना आएगा वैल्यू, कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे आपने कुछ फोर्स लगाया और यहाँ तक, यहाँ पे कुछ फोर्स होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, कुछ वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एफ इंटू डी एक्स, वही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पर ये डेल्टा के का लिया हुआ, किस फॉर्म में लिया है, डेल्टा के। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, जो बदलाव होता है इसको डेल्टा के लिख देते हैं, तो डेल्टा के इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स हो गया। पर ये एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा, क्योंकि जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से फोर्स भी क्या हो रहा है, बदल रहा है इसमें कुछ। चलो अब डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ था। तो डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स। ये कहाँ से लाए अपन, ये अभी तुरंत प्रूफ किया था इसके, मैंने बताया था
डेल्टा यू किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ एफ ए माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखा जाए तो ये इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वापस से वर्क को क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वापस से माइनस की जगह माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आगे की बात, ये टोटल वर्क डन था, ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। अच्छा, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आरएचएस आरएचएस दोनों प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, जीरो। एक तरफ डेल्टा के और एक डेल्टा यू प्लस हो जाएगा, डेल्टा कॉमन ले लो तो कितना बचा, के प्लस यू, डेल्टा उधर भेज दो तो कितना हो गया, जीरो। डेल्टा एक फंक्शन होता है, इसके साथ ऐसा छेड़खानी कर सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ, स्मॉल चेंज मतलब दोनों को हटा दोगे तो केवल टोटल यही बचेगा, तो की प्लस यू इज इक्वल टू कितना होगा, यही चीज़ क्या बता रही कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हमेशा सम जीरो रहेगा, सम कितना रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब एक एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या करेगी, घटेगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगा, घटेगी, ताकि जोड़ कितना रहे उसका, कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। यहाँ पे अपन ने वही किया, एक को बढ़ाया और दूसरे को क्या किया, घटाया, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी थी वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। इसी चीज को यूज किया है, मतलब के प्लस यू इज इक्वल टू कितना है, जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ये चीज है, के जो का है, के इनिशियल भी होगा और के क्या होगा, यू इनिशियल भी होगा और यू क्या होगा, फाइनल भी होगा। मतलब आपको चीज तो यहाँ से यहाँ चेंज हुई है ना, तो इस समय यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर क्या होगा, कुछ यू आई होगा और ये क्या होगा, कुछ यू एफ होगा। अच्छा, तो के क्या है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, फाइनल, क्योंकि के और यू तो सेम है, कहीं किसी भी स्थान पे देख लो, ये किसके बराबर होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जोड़ इस पॉइंट पे वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी का जोड़ उस पॉइंट पे क्या होगा, सेम रहेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ से के, ये यू आई एक्स नहीं आ रहा है ना तुमको समझ में, तो यू आई लिख लेना बुक में, तो कुछ कुछ बुक में ऐसा भी लिखा है कि क्या, कि के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के एफ प्लस यू एफ के, तो ये भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ ले आओ, देखो के एफ को किसके साथ ले आए, के आई के साथ, के एफ को के आई के साथ, तो के एफ माइनस के आई हो गया, ये समझ में आया कि नहीं, के एफ माइनस के आई हो गया, और इसको उधर ले आए यू आई माइनस यू एफ। इस इक्वेशन को बदल बदल के जैसा लिखना है लिख लो, मैथ्स की इक्वेशन है अब ये, तो क्या लिखते आएगा कि नहीं आएगा तुमको, एक साइन बदल के इधर उधर घुमा के इसको उधर किया तो प्लस हो गया माइनस हो गया, ये वही किया है बस, ठीक है। अजीब सी बात देखने की ये है कि यहाँ के एफ माइनस के आई है, तो यहाँ आई माइनस एफ है, ये एक इनिशियल माइनस फाइनल है, या फिर इसको माइनस साइन लेके करोगे तो ये आई और ये एफ हो जाएगा, तो ये एफ और ये फिर आई हो जाएगा, तो दोनों में फाइनल एनर्जी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि एक तरफ क्या था, माइनस साइन था, वो माइनस साइन के कारण यहाँ पर भी इज इक्वल टू में के एफ माइनस के आई और यू एफ माइनस यू आई नहीं आ रहा है, वो माइनस साइन के कारण भी क्या आ रहा है, ऐसा चेंज आ रहा है, ठीक है। खैर, एनीवेज यहाँ पे तो हमारा प्रूफ हो गया, और वर्क डन बाय क्लोज पाथ कितना होगा। अच्छा, ये वर्क डन ही है आपका, ये क्या है, ये वर्क डन है, एनर्जी किस फॉर्म स्टोर होती है, वर्क डन, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, जो वैल्यू आई है वर्क डन के बराबर, मतलब जो टोटल वर्क डन होगा आपका वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर। ये अगर चीज आपने इक्वेशन याद रख ली तो इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये एक ही सबके ऊपर भारी होता है, आपको बस सब चीज का इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है, सब चीज के चीज़ों को डिटेल में इसमें लाना पड़ेगा। वर्क डन बाय क्लोज पाथ कितना होगा, जीरो, याद रखना। जैसे कोई चीज़ है घूम फिर के वापस कहाँ पर आ गई, वहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स इंटू जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। तो वैसे भी देखो, या फिर इनिशियल और फाइनल पोजिशन दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, तो जब आप सेम माइनस सेम करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, तो जीरो माइनस सेम क्या होगा, दो मीटर माइनस दो मीटर कितना होगा। तो ये चीज याद रख लेना, वर्क डन बाय क्लोज पाथ इज जीरो, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, चलो। अच्छा, जो चीज अपन ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी, और जो मैंने अभी आपको एक वो बताया ना छोटा सा न्यूमेरिकल, कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, उसको अपन यहां से भी देख सकते हैं कि यहां पर टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी। टोटल एनर्जी को ई जीरो बोला, क्या बोला,
E0, जो भी किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो V0 प्लस यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी को क्या ले लेते हैं K0 और पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लेते हैं U0। E0 कैसी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये पूरा हाइट कितना दिया है आपको, H कितना दिया, पूरा हाइट H दिया है, हरी बात समझ में। तो यहाँ पे ये हाइट कितना हो जाएगा, मतलब ये जो स्मॉल H है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, H माइनस H होगी, हरी बात समझ में। चलो मतलब ये सब मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, E0 प्लस U0, यहाँ पर E0 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, K0 प्लस U0 है, K0 कितना है, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी, 0 प्लस U0 कितना है, MgH होता है, हाइट कितनी है कैपिटल H, Mg और H, हरी बात समझ में। इस बिंदु पर क्या होगा, ये वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लेटर से टोटल मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोल देते हैं, EH, ठीक है, इसको EH, इस पॉइंट को EH बोलो, इस पॉइंट को क्या बोलो EH, क्योंकि हाइट से ले लेते हैं अपन, इस पॉइंट पर हाइट H है, इस पॉइंट पर हाइट क्या स्मॉल H है। चलो बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी, अगेन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट H प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट H, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट H पे कुछ वेलोसिटी होगी, लेटर से यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है VH, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम इंटू VH का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी होगी H एम जी और VH स्क्वायर, हाइट कितना रखोगे, Mg और यहाँ पे कितना हो जाएगा, E ऑफ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो वाला ना ग्राउंड वाला पॉइंट कितना होगा, क्या चीज जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब हाफ एम, पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस जीरो डायरेक्ट लिख दूं, इज इट क्लियर। अच्छा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर होंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सारे पॉइंट पे सम कितने होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि तो हमने बात की थी कि ये कोई सा भी बीच में और हजारों पॉइंट लेता उन सब पे वैल्यू क्या आएगी सबकी, क्योंकि तो हम जोड़ निकाल रहे हैं, जोड़ क्या आएगा हमेशा सेम, देखो ये दोनों का जोड़ है, ये दोनों का जोड़ है, ये दोनों का जोड़ है, ठीक है, तो जोड़ हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, तो ये जोड़ और ये जोड़ भी बराबर होगा, तो E0 किसके बराबर होगा, EH के होगा कि नहीं, E0 की वैल्यू क्या है, हाफ एम इंटू वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, एम से एम कैंसल, और देखो ये वही डेरिवेशन आ गया क्या, 2 इंटू जी इंटू एच जो हमने किया था, जब ऑब्जेक्ट जस्ट जमीन पे होने वाला है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 2 इंटू जी इंटू एच, ठीक है, मतलब इस समय पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, वो चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस ये बुक में ये डेरिवेशन था छोटा सा, ये मैंने बता दिया, इसको मैंने आपको न्यूमेरिकली भी बता दिया था, वैल्यूज भी पुट कर, वैल्यू पुट नहीं की थी मैंने, बस केवल पॉइंट्स आपको सीधे सीधे आपको एनर्जीज लेके बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो स्प्रिंग के बारे में, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आज डेरिवेशन तो हम नहीं कर पाएंगे इसका, पर कुछ स्प्रिंग के बारे में एक जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। तो स्प्रिंग के बारे में आप सभी को पता है कि जब आप स्प्रिंग को इस तरफ खींचते हो, अभी थोड़ा सा मैंने बताया भी था, जब स्प्रिंग को आप इधर खींचते हो, मतलब मान लो स्प्रिंग एक तरफ से बंधी हुई है, सबसे पहली चीज़ तो स्प्रिंग को यहाँ पे बांधना जरूरी है, आप ये इस तरीके से स्प्रिंग को नहीं खींच रहे हो, नहीं तो फिर इधर भी खींचाएगी और उधर भी खींचाएगा, आप स्प्रिंग को क्या है यहाँ पर बांध दे हो ना, ये हिस्सा क्या बताता है कि आपने स्प्रिंग को यहाँ से एक हिस्से से क्या कर दिया, बांध दिया, और यहाँ पर एक मास है जिसका कि जहाँ कुछ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मास जिसका कितना है
एम है। अब ये रेस्ट पोजीशन है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, रेस्ट या फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन, कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर आपकी स्प्रिंग रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर स्प्रिंग रखी हुई है, तब इस पोजीशन को आपने इनिशियल पोजीशन लिया है, मतलब एक्स कितना है यहाँ पर, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी, जीरो। अब आप स्प्रिंग में दो तरीके से खींच सकते हो स्प्रिंग को, या तो स्प्रिंग को उधर खींच सकते हो या स्प्रिंग को इधर दबा सकते हो। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर आपने स्प्रिंग को मान लो उधर खींचा, कितने दूरी से खींचा, एक्स डिस्टेंस से खींचा, और स्प्रिंग को इधर दबाया, कितने दूरी से दबाया, एक्स दूरी से दबाया। आ रही बात समझ में कि नहीं। अब ये पोजीशन आपने किसी लिए, जीरो लिए, और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अगर ये उस तरफ है तो क्या लोगे आप, प्लस एक्स, और इनिशियल पोजीशन की इधर है तो क्या लोगे आप, माइनस एक्स। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर आपने नेगेटिव लिया है और उसके उधर क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसके स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, स्प्रिंग, ये ऐसे मतलब स्प्रिंग फोर्स, जो कि एक तरीके का कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कैसे भी उसका वैल्यू निकालोगे आंसर क्या आएगा, सेम, किसी भी पाथ से आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन का वैल्यू जो है वो आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो अभी अपन उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, पर स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स ने, स्प्रिंग फोर्स डिराइव किया था हुक्स लॉ ने, हुक्स ने किया था, हुक तो इसके नाम से क्या पड़ गया, हुक्स लॉ नाम पड़ गया। इसने सिंपल से ये बताया था कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, मतलब आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो, जैसे आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो तो स्प्रिंग आपको किधर खींचेगी, इधर खींचेगी कि नहीं खींचेगी। जैसे आपने फोर्स इधर लगाया है तो ये स्प्रिंग फोर्स एफ एस किधर लगेगा, इसमें, इधर, और आपने फोर्स इसमें इधर दबाया तो स्प्रिंग फोर्स ही किधर लगाएगी, इधर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, है ना।